एचआरटीसी चालकों को अब 3 साल के बाद ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। अगर चालक टेस्ट में फेल होता है तो उसका लाइसेंस जब्त किया जाएगा। बस से उतारकर चालक की सेवाएं परिवहन निगम के दूसरे कार्यों में ली जाएंगी। हादसे रोकने को रोड सेफ्टी एक्ट में इस तरह की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, चालकों की आंखों का टेस्ट होने के साथ साथ शुगर और ब्लड प्रेशर की भी जांच की जाएगी। हिमाचल में बस हादसों पर अंकुश लगाने को प्रदेश सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है। परिवहन मंत्री जीएस वाली ने बताया कि चालकों की आंख के टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। अब ब्लड और शुगर का टेस्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। डॉक्टरों से हर 3 साल के बाद चालकों को ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। चालकों की स्वास्थ्य जांच के लिए परिवहन निगम खुद भी शिविरों का आयोजन करेगा। बाली ने कहा कि परिवहन निगम ने 370 नई बसों को खरीदने का फैसला लिया है। निगम के बेड़े में 300 बसें शामिल हो गई हैं। इनमें से 120 बसें दुर्गम क्षेत्रों में चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर कर दिए हैं। जल्दी हिमाचल में ये बसें आनी शुरू हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।